अच्छा लग रहा था, हल्दी भी मुझे बहुत मजा आया। सिर्फ मेरी हल्दी नहीं थी, जितने लोगों ने मुझे हल्दी लगाई मैंने सबको हल्दी लगाई है बदले में। सो इट वाज टू मच ऑफ फन। एंड अब हो रही है मेहंदी। मेहंदी आपकी बड़ी अच्छी लगी, प्लीज सर कैमरा में दिखा सकते हैं आपकी मेहंदी तो प्लीज। ये है, अगर ऐसे दिखाऊंगी तो थोड़ा उल्टा लगेगा। तो काफी कुछ लिखा है मैंने, यहाँ पे काशा लिखा हुआ है, यहाँ पे SNK लिखा हुआ है, यहाँ गणपति का मंत्र है और यहाँ पे गणपति का फेस भी है। तो और कई इसमें कहीं शलभ का नाम भी है जो मुझे भी नहीं मिल रहा सीरियसली। तो थोड़ी डिटेलिंग मैंने की थी अपने फंक्शन के पहले। मैंने मेहंदी वाली का बहुत सर खाया था कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो वो कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग है इसमें। एंड देखते हैं हम कलर कैसे आता है। कलर क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी मेहंदी कुछ? मैं यही कह रहा था, बहुत बढ़िया किया है जिसने भी काम किया है। यू नो जो डिटेलिंग की है बहुत बढ़िया काम है। और अब मेरा काम है इसमें शलभ ढूंढना। मुझे पता है अब इसमें सारे शलभ के अक्षर ढूंढने हैं मेरे को। मस्ट बी अ डिफिकल्ट टास्क। It will be. ये बहुत कमाल तरीके से लिखा है, अगर आप लोग भी ढूंढे आपको भी नहीं मिलेगा। बहुत कमाल तरीके से लिखा है। बट बड़ी खूबसूरत लग रही है, कुछ तारीफ कुछ कहना चाहेंगे? सही करता हूँ मैं हमेशा सबके साथ, ऐसी थोड़ी ना शादी कर रही हूँ। कल आप गुरुद्वारा में भी गए थे, थोड़ा सा कुछ बताना चाहिए, रिंग सेरेमनी वहाँ पर हुई, थोड़ा कुछ वो बताना चाहिए। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा रिलीजियस है और हम चाहते थे कि हमारी शादी और एंगेजमेंट दोनों ही या मंदिर में हो या गुरुद्वारे में हो। तो कल गए थे और हमने मत्था टेका और रिंग्स एक्सचेंज की और बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट ये अपने घुटनों पर चले गए थे जो मुझे नहीं पता था और इन्होंने बाकायदा मुझे प्रपोज किया है। एक्चुअली कल प्रपोज डे था तो यू नो मैंने उस मौके का फायदा भी उठाया और मुझे लगा शायद यहीं पे अगर ये मना कर देगी तो क्या होगा। बट मैंने तो वक्त लिया हाँ बोलने के लिए, लेकिन फिर कह दिया। लास्टली लुक के बारे में प्लीज बता देंगे आप? डिजाइनर जो यहीं पे एक्चुअली अनुराधा, मैंने उसका बहुत सर खाया था और मैं चाहती थी कि सारे लहंगे पहनूं मैं, क्योंकि साड़ीज मैं पहनती रहती हूँ, हर साल गणपति में साड़ीज पहनती हूँ। मैं चाहती थी कि मैं फील लूं अपनी शादी का और मैं सारे लहंगे पहनूं, लेकिन हर लहंगा अपने आप से अलग होना चाहिए। तो क्योंकि ये मेहंदी है तो मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा हो जिसमें दुपट्टा ना हो और कंफर्टेबल हो और एट द सेम टाइम बहुत बढ़िया भी लगे। तो ये मैंने सोचा था और मुझे कुछ चमकीला चाहिए था तो, और मिरर वर्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये रहा मिरर वर्क। और कुछ ऑब्वियसली अनुराधा का भी दिमाग है, मैंने सिर्फ उससे बताया था कि मुझे क्या चाहिए, तो ये अनु का कमाल है। That's it. और कल जो लहंगा होगा वो अलग होगा, परसों जो होगा वो अलग होगा, तो तब आप बताना कि कितनी मेहनत की है मैंने और सही की है कि नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खड़े रहे आप सब, मेरी खुशी का हिस्सा बनने आप सब आए हैं। मैं हाथ तो नहीं जोड़ सकती, थोड़ा जोड़ने की कोशिश करती हूँ। आप सबको बहुत 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 शुक्रिया। एंड आप सब आइए और मुझे दुआ दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच, वी आर इक्वली हैप्पी। थैंक यू सो मच एंड बधाई हो। बधाई हो।